नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं एक नए वैकेंसी की जानकारी। असल में यह कोई वैकेंसी नहीं है, असल में यह अप्रेंटिस का एक फॉर्म निकाला गया है जो कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से निकाला गया है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2022 जारी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो अप्रेंटिसशिप होता है यह कोई नौकरी नहीं होती है, यह कोई स्थायी नौकरी नहीं होती है। असल में यह बस एक सर्टिफिकेशन का कोर्स होता है। इसमें मुख्य रूप से कई बार 6 महीने या फिर साल भर या फिर 2 साल के लिए आप लोग को ट्रेनिंग के पर्पस से किसी विभाग में रखा जाता है, वहाँ पर आप लोग को काम करना होता है। असल में बहुत अधिक कार्य के पर्पस से वहाँ पर आप लोग को नहीं रखा जाता है, असल में आप लोगों को उसके संदर्भ में सीख दी जाती है। यदि किसी फैक्ट्री में आपका लगता है तो वहाँ पे फैक्ट्री में किस प्रकार का कार्य चल रहा है इसके बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है उस 1 साल या फिर 6 महीने या फिर 2 साल के पीरियड के दौरान। तो यह भी कुछ इसी प्रकार के अप्रेंटिसशिप का ही फॉर्म निकाला गया है, जिसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए और किस आधार पर आप लोग इसमें जाएंगे, यानी कि किस आधार पर इस पर आप लोग की भर्ती होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो ओपनिंग डेट है यानी कि फॉर्म भरने का जो ओपनिंग डेट है वह 27 जून 2022 है। जी हाँ दोस्तों, 27 जून 2022 से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यदि लास्ट डेट की बात करें यानी कि क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 26 जुलाई 2022 है, यानी कि पूरे 1 महीने आप लोग को मिल रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पोस्टों के बारे में कि कितनी सारी इसमें टोटल कितनी अप्रेंटिसशिप की पोस्टें निकाली गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2 तरह की पोस्टें हैं यहाँ पे। एक तो है फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स का मतलब ये हुआ कि जो केवल हाई स्कूल पास कर चुके हैं साइंस और मैथ से, और दूसरे हैं XITI यानी कि जिन्होंने ITI का जो एग्ज़ाम है वह पास कर लिया है। यदि हम फ्रेशर्स की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए विभिन्न विभागों में 276 पद निकाले गए हैं और ITI में विभिन्न पदों के लिए 600 पद निकाले गए हैं। असल में इसमें देखिए अलग अलग तरह के कार्य हैं अलग अलग विभागों में, जैसे कि कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए फ्रेशर्स के 276 हैं और ITI के लिए 600 पद यहाँ पे खाली है। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फ्रेशर्स की, जैसा कि मैंने बताया कि केवल हाई स्कूल पास हैं यदि आप, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एज ए फ्रेशर्स के रूप में। इसमें आप लोग को देखिए 10th का एग्ज़ाम आप लोग को पास चाहिए साइंस और मैथ से, 50% मार्क्स इसमें होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम 50% नंबर यदि आपके हाई स्कूल में है और आपने साइंस और मैथ से किया हुआ है, 10th का पास किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि हम XITI की बात करें तो इसके लिए आप लोग को 10th विथ साइंस एंड मैथ चाहिए, और जिसमें कि 50% नंबर होना चाहिए हाई स्कूल में, और साथ में ही आप लोग का ITI एग्ज़ाम पास हुआ होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एज ए XITI के रूप में। अब एज की बात कर लेते हैं, तो एज इसमें देखिए, एज इसमें है 15 से 24। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 15 साल के भी हैं, देखिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल करने के दौरान 14 या 15 साल के ही होते हैं और वह एग्ज़ाम पास कर लेते हैं हाई स्कूल की, तो ऐसे लड़कों को भी इसमें अवसर दिया गया है। उन्हें बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं चाहिए, इसमें जैसा कि मांगा गया है कि 10th आप पास चाहिए, तो 10th के तुरंत बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो एज की गणना की जाएगी वह 26/7/2022 से की जाएगी, यानी कि 26/7/2022 को जो आपकी एज होनी चाहिए वह 15 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए और 24 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, जैसे कि लगभग हर विभाग में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट मिल रही है, SC ST को 5 साल की छूट मिल रही है। यदि कोई दिव्यांगजन है तो यहाँ पे देखिए, मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन दिव्यांगजन को यहाँ पे 10 साल की छूट दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ स्टिपेंड की, यानी कि उन्हें कितना मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें इतनी अधिक सैलरी नहीं होती है कि आप घर पे भेज सकें उस सैलरी को, या फिर अपने किसी प्रयोजन के लिए काम में ला सकें।
सैलरी बस इतनी होती है कि यदि आप जिस शहर में जाकर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं वहाँ का मुश्किल से आप खर्चा उठा सकते हैं, वहाँ का किराया अदा कर सकते हैं, रहने का किराया और खाने पीने का किराया इतना आप उठा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप 10th पास करके इस अप्रेंटिस को कर रहे हैं तो आपको 6,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, और यदि 12th पास करके कर रहे हैं तो 6,000 महीने दिए जाएंगे, और यदि आपने ITI पास किया हुआ है तो आपको 7,000 रुपये यानी कि 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है यानी कि जो आप लोग का जो पीरियड होगा ट्रेनिंग का, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो यदि आप ITI पास करके जा रहे हैं इस अप्रेंटिस को कर रहे हैं तो उसकी जो ट्रेनिंग की पीरियड होगी वह केवल 1 साल होगी, और यदि आप हाई स्कूल पास करके जा रहे हैं इसमें तो उसके जो ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। चलिए बात कर लेते हैं विभिन्न पदों की, किस किस सेक्टर्स में कितने पद यहाँ पर निकाले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये फ्रेशर्स के लिए पद निकाली गई है और ये ITI के लिए पद निकाली गई है। यहाँ पे देखिए कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीसियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, PASSA, इसके लिए जो अलग अलग पदें निकाली गई हैं। तो कारपेंटर के लिए 37 पद जो फ्रेशर्स की है और ITI की 50 पद निकाली गई है, इलेक्ट्रीसियन की 32 और 165 पद, फिटर की 65 और 143, और मैकेनिस्ट की 34 और 29, और पेंटर की 33 और 50, और वेल्डर की 75 और 170, और PASSA का इसमें देखिए इसमें फ्रेशर्स के लिए कोई सीट नहीं है और ITI के लिए यहाँ पे 2 सीटें निकाली गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल हो गया, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लगेगा, यानी कि 100 रुपये उन्हें अदा करना होगा। इसके अलावा यदि वह SC ST PWD या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो उन्हें पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वह फ्री में इस फॉर्म को भर सकती हैं। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी आपको। आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी हो सके। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम NCERT की किताबों को लेकर आने वाले हैं, हम क्लास 6 के साइंस को पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले, तो इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे वो आप देख सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप लोग को NCERT क्लास 6 की क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।